बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को आज किसी शनाख्त की ज़रूरत नहीं। टीवी सीरियल से अदाकारी का आगाज़ करने वाले शाहरुख खान ने अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी ख़ास पहचान बनाई और कुछ ही अरसे में सिल्वर स्क्रीन के किंग खान बन गए। आज वो लाखों दिलों पर राज करते हैं, उनके मद्दा उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के बादशाह ने कितनी तालीम हासिल की है? आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने अदाकारी का ख्वाब पूरा करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जी हाँ, उन्होंने अदाकारी की खातिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अपनी मास्टर्स की डिग्री भी अधूरी छोड़ दी थी। ताहम ये डिग्री छोड़ने के बावजूद उनको इल्म और तालीम हासिल करने की लगन थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान का शुमार बॉलीवुड के पढ़े लिखे सुपरस्टार्स में होता है। उनके पास 3 एजाजी डिग्रियां भी हैं। साल 2009 में शाहरुख खान को यूनिवर्सिटी ऑफ रेडफोर्ड चाय से आर्ट्स और कल्चर में डॉक्टरेट की डिग्री मिली। इसके साथ वो दुनिया के पहले गैर मुल्की अदाकार बने जिन्हें मलेशिया से डॉक्टरेट का खिताब मिला। साल 2015 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ एनब्रा से यूनिवर्स कोसा में डॉक्टरेट की डिग्री मिली। इस डिग्री की तकरीब के दौरान उन्होंने तुलबा से खिताब भी किया और अपनी मेहनत और जद्दोजहद के बारे में बात की। साल 2019 में शाहरुख खान को यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से डॉक्टरेट की डिग्री मिली। बॉलीवुड किंग ने अपनी इब्तदाई तालीम नई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से हासिल की, जहां उन्होंने 12वीं जमात में 80% नंबर हासिल किए। इसके बाद वो इकोनॉमिक्स में बैचलर्स करने के लिए हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। शाहरुख खान ने मास्टर्स की डिग्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अधूरी छोड़ दी थी। तालीमी मैदान में डिग्रियाँ लेने के अलावा शाहरुख खान किताबें पढ़ने के बेहद शौकीन हैं। वो डॉन ब्राउन को पढ़ना पसंद करते हैं।